हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कबीर काव्य का कला पक्ष। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कबीर विचारक कवि थे। उनके लिए कविता ईश्वरीय विचारों को व्यक्त करने का एक साधन मात्र थी, फिर भी उनके काव्य का कला पक्ष अत्यंत सशक्त और सक्षम है। उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों, सरल एवं सहज शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों एवं अलंकारों का सफल तथा सुंदर प्रयोग किया है। कबीर के काव्य के कला संदर्भ इस प्रकार है। प्रतीक योजना। कबीर ने अपने लौकिक प्रतीकों के माध्यम से सांकेतिक, परिभाषिक, संख्यामूलक, रूपात्मक प्रतीकों का अत्यंत मनोरम चित्रांकन किया है। क सांकेतिक प्रतीक। आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, विरला आदि विचारी। ख पारिभाषिक प्रतीक। पारिभाषिक और सांकेतिक प्रतीकों में कोई विशेष अंतर नहीं है। कबीर ने जिन पारिभाषिक प्रतीकों का वर्णन किया है उसमें सूर्य, चंद्र, यमुना, गंगा, कुंडलिनी आदि प्रमुख हैं। उदाहरण, मन लगा उन्मन सो, गगन पहुँचा जाई, देख्या चंद बिहुणा, चांदनिया तहाँ अलग निरंजन राई। ग रूपात्मक प्रतीक। नौ पौरी पर दसवा द्वारा, तापर ज्ञान ज्योति उजियारा। सेकंड है अलंकार योजना। कबीर के काव्य में शब्द अलंकारों, अर्थालंकारों एवं उभयालंकारों तीनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने अपने काव्य में विरोधाभास, असंभव, विभावना, असंगति, विषम, यमक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। सतगुर संवान को सगा, सोधी सही न दाती, हरिजु सावन को हितु, हरिजन सही न जाती। इस दोहे में अनुप्रास एवं यमक अलंकार की छटा दर्शनीय है। इस प्रकार निम्नलिखित दोहों में उपमा और दुष्टांत अर्थालंकारों का प्रयोग है। उदाहरण, पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जाति, देखिया ही छिप जाएगा जो तारा प्रभाती। तीसरा है छंद। कबीर ने अपनी काव्य भाषा में दोहा छंद का बेहतरीन प्रयोग किया है। उन्होंने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। कबीर का एक दोहा अपने में भाव सागर समेटे है। चंदन की कुटकी भली, न बबूर की उबराऊ, वैष्णो की छपरी भली, न साकत का बड़गाऊ। दोहा छंद के अतिरिक्त कबीर ने अपने पदों में गौड़ी, रामकली, वसंत, कल्याण, आसावारी, कदारी, बिलावन, ललित, सारंग, मल्हार, घनासरी आदि रागों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। चौथा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। कबीर ने अपने काव्य में लोक प्रचलित लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सार्थक एवं प्रसंगानुकूल प्रयोग करके भाषा को सार्थक और रोचक बना दिया है। उदाहरण, पाव कुल्हाड़ी मारिया, मूरख अपने हाथ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पांचवा है शब्द प्रयोग। शब्द प्रयोग में कबीर का कोई जोड़ नहीं है। इन्होंने अपनी काव्य भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी चारों प्रकार के शब्दों का सुंदर एवं सार्थक प्रयोग किया है। कबीर ने गगन, अत्यंत, कंवल, लोचन आदि तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। सद्गुरु की महिमा, अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उधाड़िया, अनंत दिखावनहार। छठा है भाषा प्रयोग। कबीर ने अपने समय के साधु समाज और जनसाधारण में प्रचलित भाषा शैली का अपने काव्य में प्रयोग किया। उनकी भाषा में विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों के शब्दों का सफल प्रयोग किया गया है, इसलिए उनके काव्य की भाषा को सुधकड़ी भाषा का नाम दिया गया। उनकी भाषाओं में बनावटीपन,
कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।